जो है उनसे फैसयाब हो रही है दिन की खिदमत हो रही है सिलसिले की खदमत हो रही है साथ ही साथ नाज़रीन हमारा सिलसिला वो अज़ीम सिलसिला पिरो मुर्शद मियाँ हज़ूर की तरबियत का नतीजा है जो बखुल से काम नहीं लेता मेरे मुर्शद करीम भी आने वालों के तालिबान जिस तरीक़े से जिस नीयत से आते हैं तलब लेकर अपनी उसको अता फ़रमाते रूहानियत के तलब गार आता है रूहानियत मिलती है अमलियात का तलब गार आता है अमलियात मिलते हैं सलासिल का तलब गार आता है सलासिल मिलते हैं जिक्रार का तलब गार आता है उसको जिक्र अजगार मिलते हैं मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर दुनिया का तलब गार भी आता है तो वक् के गोश के दरबार से खाली नहीं जाता आज हमारे इस प्रोग्राम में उनके दरबार से तल्लु रखने वाली उस हस्ती से तल्लुक़ रखने वाली जिसको मैं कहूँगा शबी मियाँ हजूर हु बहू मेरे पीर मुर्शद मिया हजूर की शबी हैं अल्ला रब्लमी ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है और आपको यकीनन बहुत इंतज़ार होगा आज के प्रोग्राम का क्योंकि हम कल ही बता चुके थे आज हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मताज तो नहीं है मैंने मोहब्बत में कराया है बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद बड़ा तवीर सफ़र तय कर कर आप तशीफ लाए हैं डॉक्टर अब्दुलवाजिद शाजली साहब असल भैया खेस खैरियत से हैं आप ठीक है आपकी तबीयत सही है रमज़ान शिफ कैसा जा रहा है अलहमद लामद घर में सब खैरियत है अलहमद ला माशा मुझे खुशी इस बात पर है कि मियाँ हजूर के जो सितारे हैं मियाँ हजूर के जो चलाए हुए चिराग हैं वो अपनी अपनी नशस्तों में बहुत एहसन तरीके से काम कर रहे हैं अलहमदिल्ला माशा मुझे आपका सिस्टम बहुत पसंद आया और जिस तरीके से आप लोगों की खिदत कर रहे हैं जिस तरीके से आपने एक इन्वायरमेंट बनाया है और एक मैसेज दिया है लोगों को और अच्छी बात ये है लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे मुस्त और साहेब सिलसिले का प्लेटफॉर्म कौन सा है अल्लाह सुबह अल्ला, क्योंकि ये आज जिस टॉपिक पे हम लोग गुफ्तु कर रहे हैं या करेंगे ये ऐसा नाजुक टॉपिक है ना कि इसमें तकरीबन अगर मैं यूं कहूँ कि दस परसेंट सही लोग हैं तो नाइन्टी परसेंट इसमें गलत लोग भी मौजूद है सही तो अच्छी बात यह है कि एक सिलसिले की तरफ से हमारा एक अच्छा पैगाम लोगों को जाएगा और लोगों को पता लगेगा कि कौन कौन से इदारे कौन कौन से काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो साहिब मसंद हैं माशा नाजिर मैं दरमियान में हाइल नहीं होंगे क्योंकि यकीन आप जिन्हें हम मोहब्बत से भैया कहते हैं हमारे सिलसिले के तमाम पीर भाई डॉक्टर अब्दुलवाजिद शाजी साहब को भैया कहते हैं अल्लाह ताली इनको सलामत रखे आज हमारा है टॉपिक जादू मैंने कोई बात नहीं करनी है मुझे आप सुनते रहते हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा आपके जो दिल के सवालते हैं जो लोगों ने हम तक भेजे बस आपसे ये कहूंगा प्रोग्राम को अव्वल आखिर देखें इसको शेयर भी कीजिए और डॉक्टर साहब की गुफ्तु से मुस्तफ़ भी होइए डॉक्टर साहब पहला सवाल मेरा ये है कि जादू जादू दुनिया सुनती है और बड़ी परेशान हो जाती है तो जादू क्या है क्या ऐसी बला है क्या ऐसी चीज़ है किस चीज़ को कहते हैं जादू आसिफ भाई अगर जादू के मुतल देखा जाए जी तो जो असल जादू है ना जी असल जिसे जादू कहा जाता जी, है वो आज के दौर में अल्लाह आज हकीकत पर बातें करूंगा सही, बिल्कुल जो बिल्कुल सच्चाई होगी अब हर दूसरा बंदा कहता है ना हम पे जादू है जी जो दूसरे बंदे मुतासिर होते हैं फिर वो क्या है वो क्या है? अगर जादू नापैद हो गया है तो फिर वो क्या है वो क्या अगला सवाल ये हो जाएगा ठीक है अगर जादू के मुतालिक देखा जाए तो जादू मुफ्ती साहब सीखा नहीं जाता अच्छा जादू सीखा नहीं असल जो जादू है ना जी वो नहीं सीखा जाता अच्छा ठीक है क्यों क्योंकि तो असल जादू जो होता है वो मुंतकिल किया जाता है जादू मुंतकिल किया जाता है सीखा नहीं जाता सही अच्छा तारीख के मुस्तनद किताबों से हमें ये बात मिलती है जब सरकार का विसाल हो गया हाँ विशाल जहरी जब हुआ समझे आप जब अब विशाल जहरी जब हुआ एक औरत आई आपसे मुलाकात के लिए एक तवील सफर करके जब उसको पता लगा कि सरकार दो दुनिया से हो चुके हैं वो का कतार रोई इतना रोई इतना रोई कि उसकी खबर हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तक पहुंची सही जब आप उस खातून को आपने बुलाया और उससे कतार क्यों रो रही हो जी उसने कहा कि अगर मेरी हुजूर से मुलाकात ना हो तो मैं हलाक हो जाऊंगी सही कि मुझसे ऐसा गुनाह सरजद हो गया आपने फरमाया क्या गुनाह सरजद हो गया कि जिसकी माफी नहीं है जी उस औरत ने कहा कि मैं अपने शोहर की वजह से बड़ी परेशान थी सही मेरा शोहर मेरी कोई बात नहीं मानता था ठीक। मैं चाहती थी कि उसको अपने काबू में करूं और उसके बाद जो दौलत है ना वो मैं अपने कब्जे में कर लूँ सही वो मेरी नहीं, नहीं मानता था ठीक तो वो कहती है कि मेरे गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत आई सही अब समझिएगा कि जादू क्या, क्या है कि एक बूढ़ी औरत आई और बूढ़ी औरत ने उस उस औरत ने जो रो रही थी उसने उस बूढ़ी औरत के पास गई कहा कि मुझे कुछ जादू सिखाओ कि ताकि मैं अपने शोर को अपने काबू में कर सकूँ सही मैं अपने शौर, शौर को पर कंट्रोल हासिल हो कंट्रोल में कर सकूं तो उसने कहा कि जादू सिखाया नहीं जाता उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर तुझे कुफर करना है तो तू जादू कर सकती है अगर तू कुफर पर राजी होती है तो मैं तुझे जादू बताऊंगी जादू क्या है सही वो कुफर पे भी राजी हो गई वो जब कुफर पर राजी हुई तो उसने कहा अच्छा जब रात का पहर हो जी तो तुम मेरी खोली में आ जाना मेरी खोली में आ जाना हाँ, उस बूढ़ी औरत रुखसत हो जाएगा अगर जादू सीखना चाहती। उसने कहा मुझे काम करना है उस वक्त मेरा मकसद, मेरा मेरा मकसद है। मुझे चाहिए तो उसने औरत ने कहा चल मेरे साथ जब वो बाहर निकली तो दो सवारी मौजूद थी जो काले कुत्ते के मुताजों में रिवायतों में वाकई वो खातून और वो औरत दोनों बैठी और बैठ के चल दी जब वो बाबुल के एक ऐसे कुएं के पास पहुंची जब उन्होंने दो शख्स को उल्टा लटके हुए देखा, देखा और उससे कहा कि अब तुम इससे अपनी मुराद मांगो जो तुम मांगती हो जो तुम आ, सीखना चाहते हो आवाज लगाओ आवाज लगाओ तो उस औरत ने आवाज लगाई तो आवाज आई कि जादू कुफुर है कि अगर तुम ये सीखोगे तो तुम गुमराह हो जाओगी तुम्हारा ईमान तुमसे रुखसत हो जाएगा उसने कहा नहीं मुझे सीखना है उसने कहा अच्छा तुम जाओ फला जगह पर और वहां पेशाब करके आओ वाक्य है ये बिल्कुल तफसीर में भी लिखा हुआ है और वो औरत गई उस जगह पे उसको दिल में डर खौफ हुआ वापस लौट आई तो उस कुएं के पास आई उस कुएं में कहा कि क्या तूने ऐसा किया उसने कहा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ तो उसने कहा तुमने झूठ बोला तुम जाओ दोबारा अगर तुम्हें जादू सीखना है तो वो औरत गई उस खोली में जब उसने पेशाब किया तो वो क्या देखती है कि उसके अंदर से एक घोड़ा अच्छा घोड़े के मान एक रोशनी से उसके अंदर से निकली निकल गया एक रोशनी उसके अंदर से निकली और वो अंधेरे में डूब गई वो वापस आई उसने बताया कि मेरे ऐसे मामला वो होगा वो बीच उठाती द, जमीन में गाड़ती और कहती दरक बन जा वो दरक बन जाता था अब उसने कौन सा सीखा था कुछ भी नहीं लेकिन उसने ईमान अपने हाथ से खो दिया था उसने ईमान अपने हाथ से खो दिया था अब हम बात आते हैं जो लोग सीखते हैं वो क्या है वो जाजू के वो जुज हैं कि जिसको मुख्तलिफ किताबों में बयान किया सही जैसे कबाला जादू है अगला सवाल मैं आपसे ये करने वाला था कि आपने कबाल जादू पर बड़ी गुफ्तु की यूट्यूब पर अपने चैनल पर सोशल मीडिया पर दुनिया में बड़ी वायरल हुई और लोगों ने देखा हमने भी सुना और इसके मतलब तो ये कबाला जादू क्या है ये किस किस्म का जादू है कौन सा ऐसा हवा है इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जो एक अलग ही नोयीत इख्तियार कर गया आपके बयान करने के बाद बिल्कुल देखें सबसे बड़ी बात ये कि कबाला जादू जो है ना जी वो जिस तरीके से हम मुसलमान जब रियाजत करते हैं इबादत करते हैं तो हम करते। सबसे पहले अपने लताइफ को जगाते हैं ऐसे ही जैसे हम नफ्स पे करते हैं कल पे आते हैं पे आते हैं, पे रूप खफी अकफा होते हैं हम नीचे से ऊपर की जानी बढ़ते हैं इसी तरतीब से जो कबाला जादू करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने अंदर के इन्हीं मकाम को जगाते हैं लेकिन माकूस जगाते हैं सही इसका जो पहला मकाम है कबाला जादू का जो जगाने का होता है उसको कहा जाता है सफन सही उसके बाद जो इसका दूसरा दर्जा है उसको कहा जाता है बल्क सही तीसरा जो है इसको कहा जाता है खुरग सही चौथा कहा जाता है दस्तर सही पांचवा कहा जाता है यानी कि फे हे हलवे वाला उड़ते। और छठा कहा जाता है अफ्तगी सही ये हमारे अंदर के यानी कि जैसे हमारे साथ लताइफ है तो उनके अंदर भी ये है बिल्कुल वो इसको माकूस कुछ अमाल पड़ा हम, हमारा अलवी की तरफ सफर करता है इनका असफल जाता है जब ये असफल पे अपना सफन पे रियाजत करते हैं तो ये सबसे पहले वो काम करते हैं कि जो <coughs> गंदगी के काम होते हैं बुराई के काम होते हैं जैसे हम नफकशी करते हैं हाँ। हम बुराइयों से दूर होते हैं ये बुराइयों में घुस जाते, जाते हैं ये बुराइयों में घुस जाते हैं जब ये बुराइयों में घुस जाते हैं ना फिर ये लिखत पढ़त के जरिए यानी कि तंत्र जब मंत्र होते हैं ना उसके जरिए फिर उसकी अदायगी करते हैं यानी कि पुकारते हैं किसको को शयातीन को शयातीन को अच्छा जब ये इनका पहला स्टेप कंप्लीट होता है सफन का यानी कि जब वो पुकारते हैं अब जब ये दूसरे स्टेज पर आते हैं जिसको कहा गया है बल्क बल्क ठीक है नाजिम तवज्जो रहनी चाहिए ये गुफ्तु आपको कहीं भी नहीं मिलेगी आज जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं जो बल्क है ना वो समझ लें कि वो वो दर्जा होता है इनका यानी कि हम अलवी में ऊपर की तरफ सफर करते हैं ये असवल में नीचे की तरफ आते हैं फिर ये एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज पर पहुंचते हैं तो ये अपने अंदर की जो हमारी जो हम कहते हैं ठीक इरादी। इरादी। है हम जब नए काम करेंगे तो हमारे अंदर विल पावर से होता है लेकिन कबाला जादू करने वाले जो होते हैं ना वो किससे मदद लेते हैं कि जब हमारे अंदर नहुसत पैदा होती है जब इनके अंदर वो मामला पैदा होते हैं ना तो फिर वो उसको तोज्जो के जरिए उस शैयानी कुतों को अपने अंदर जगाते हैं सही अपने अंदर शैतानी को पढ़ते कर, कुछ भी नहीं सिर्फ रखते। में पढ़ेंगे हाँ, वो जो पहला वो जगाएंगे। सफन जो जगह पढ़ाई से जगह पढ़ाई पे स्टॉप कर देंगे अब पे आ जाओ अब शख्स आ गया तब उसने अंदर की शैतान उसके अंदर मौजूद हो गया सही अब शैतान उसके अंदर मौजूद हो गया अब वो अपनी इस्तदराजी तदराजी के जरिए लोगों को नुकसान है सही अच्छा ये जादू इतना खतरनाक होता है कि किसी पढ़ाई से आसानी से उतरता नहीं है आज के दौर में कबाला जादू करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं बिल्कुल मौजूद है मौजूद है बिल्कुल मौजूद है।, है।, है इसका अक्सर वेशर जो हिस्सा है ना है। वो अफ्रीका और यूएस में मौजूद है मेरा अगला सवाल ये था क्या हमारे पाक हिंद जिसको हम बड़े सगीर कहते हैं यहाँ पर कबाला जादू करने वाले हैं उनके ऐसे कुछ शागिर्द मौजूद हैं सही जो, उन्हीं से ट्रेनिंग है लेकिन वो उस दर्जे के नहीं है सही

तंजीम है मैं नाम नहीं, नाम था। हम्भी था। हम्भी नहीं, नहीं लेंगे जी। लेकिन उनका जो पहला स्टेज होता है पहला सबर होता है ना वो लोगों को इस तरफ लागू करते हैं बड़ी बड़ी वो इस जादुवी जा... से मदद लेते हैं अपने कामों पर वो जिसको चाहते हैं फेमस कर देते हैं जिसको चाहते है डाउन कर देते हैं यानी कि ये उनकी कुत के मुतारिफ होते ये वो कबाले जादू के तहत तसरुफ कर रहे होते हैं वो तसरुफ कर रहे होते हैं और यही उसी के पैरोकार जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं सही, ये सही, उन्हीं के मुमालिक में रहने वाले इससे मुतासिर है। है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारा यूरोपल अमेरिका कैनेडा यू के यू एस ए के ग्रमाला जादू से हमारे मुसलमान मुतासिर हो रहे हैं बिल्कुल मुतासर हो रहे हैं उसकी वजह क्या है ये लोग अटैक करते हैं ना ये लोग आपकी जो नई न्यू जनरेशन है ना हाँ, उस पर नसल है मेरी ये, भी रिसर्च इस पर है भाई ये उनको अपने कंट्रोल, कंट्रोल में करते हैं माइंड उनका कंट्रोल करते हैं अच्छा शुरू में ये आपका अपने दिमाग के जरिए आपके दिमाग में पैगाम मुंतकिल करते हैं आपको दीन से दूर करते हैं जी। आपको अपने करीब करीब करते, करते हैं सही आपको बेहयाई के करीब लाते हैं अपने बुजुर्गो से मुतनफिर करते हैं आपके से बुजुर्ग करते हैं और फिर नशे में डालते हैं नशे में डालते हैं

फिर उसके ऊपर वही शयाती मुत हो जाएगी भैया ये एनर्जी एक तो ट्रांसफर करना होता है हमारे यहाँ रूहानी लोग भी कह रहे हैं एनर्जी को ट्रांसफर करना ठीक जैसे हम लोग भी रूहानियत में काम करते हैं तो होते है। तो जादू में भी नेगेटिव एनर्जी ये उन बच्चों में बच्चों में ट्रांसफर कर देते हैं ये समझ लेके इस कदर हो गया है कि मैं समझता हूँ कि अगर यूएस के अंदर हर मुसलमान घराने सो है ना तो नब्बे मुता है लेकिन उनको नहीं पता यार हम ये बात कर रहे होते लोग समझ नहीं होते उनको नहीं मालूम अच्छा उनको महसूस भी नहीं होता। उनको उनका एक बच्चा हाफिज कुरान पंच वक्ता नमाजी और उन्होंने कहा मेरी बच्ची दो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी वो बच्ची आज खुदा के वजूद का इनकार कर बैठी है यानी देहरी हो गई मैंने उसको कहा मेरी वो रो रही थी जारो कतार रही थी ये क्या मसला है कहा मैंने उसको कहा आप किसी मौलवी से रबा करो तेरे जो भी सवाल है खुदा के वजूद के कोई मौलवी तेरा जवाब वो मौलवी से मु तनफर मैंने उनको कहा बहन जहाँ तक मेरा इल्म कहता है नाकिस ये जादू के जरिए से इस बच्ची का ब्रेन वाश करके बताओ हमारी तबाही की सबसे बड़ी वजह पता है क्या जी देखिये अल्लाह तबारा तक हर शख्स के जिम्मे कोई ना कोई काम रखा है जी समझिएगा मेरी बात जी तो अब वो लोग के जो इस मर्जे में मुबला हो गए सही अब वो क्या तलाश करते हैं कि यार कोई साहिब सिलसिला हमें मिल जाए जा, कि या कोई नेक हमें शख्स मिल जाए या कोई मौलवी मिल 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 जाए कोई कोई आलिम आलिम जाए आ, जबकि अगर देखा जाए आलिम का ये काम ही नहीं कामी है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है अब आलिम के वो आलिम पढ़ा सकता है हदीस पढ़ा सकता है मैं वही उसी तरफ आ रहा कि वो आलिम के जिसने 20 साल अपने हदीस पढ़ी कुरान सीखा मुफ्ती सीखी अब वो लोगों के जादू का इलाज कर रहे नहीं हो सकता मस्जिद जुम्मे के खुतबों में जादू के बारे में बता रहे हैं। नहीं हो सकता ये तो हम भी होने के नहीं हो सकता ठीक है अब एक बार याद रखना चले अब मैं आपको इससे बात पूछता हूँ आपको बुखार चढ़ता है जी डॉक्टर के पास जाएंगे कौन से डॉक्टर के पास जाओ जो बुखार जाएंगे? का इलाज जानता जनरल फिजिशियन फिजिशन सर्जन के पास नहीं जाऊंगा तो देगा देगा कुछ कुछ ना सर्जन बोलेगा जनरल फिजिशियन के पास जाओ मेरा काम ही नहीं है ये अब अगर आपने किसी आलिम से दुआ लेनी है आप उसके पास जाए बिल्कुल बरकत लेनी है जो भी लेना बरकत लेनी है आप उसके पास जाए कोई शराई मसाइल पूछना है उसके पास जाए कुछ दुनियावी मसाइल पूछना उसके पास जाए आप जादू उतार करना उसके पास जा रहे हो जो एक जनरल फिजिशियन है तो फिर वहां से मामला क्या होंगे और डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे क्यों क्योंकि अब मिसाल के तौर पर एक, एक औरत का वक्त करीब होता है हाँ, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है अब वो औरत बोलती है नहीं मैं जनरल फिजिशियन से इलाज कराऊंगी समझने वाली बात है अपने आप को खुद हलाकत में डाल रही है मैं सिर्फ ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि दोनों की जान को खतरा है या नहीं बिल्कुल है

और भैया नाजरीन ये अरबी का मकूला है लिकुल फन रिजाल हर फन के माहिर लोग होते हाफिज़ का काम है कुरआन पढ़ाना आलिम का काम है मस्ते बताना मगर भैया सही फरमा रहे हैं कि जो जादू के मा... अच्छा हर जादू का इलाज भी हर आमिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। है। लोग एक ही आमे के पास सारा काम करवाने के लिए चले जाते हैं हर चीज नहीं कर सकता क्या कर सकता है नहीं कर सकता बिल्कुल नहीं कर सकता सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए जादू है किस नोयत का जादू की अजाय तरतीब क्या है लोगों को ये नहीं पता नहीं पता लोगों को अभी ये नहीं पता जादू की नोयत क्या है जादू की अजाय तरतीब क्या है कौन सा जादू हुआ है, कैसे हुआ है क्या हुआ है जादू हुआ है वहीफाज बना के लोगों को कह देते ये जादू हो गया आप पर बिल्कुल अजय तरतीब से क्या मुराद है तरतीब से मुराद ये होता है की अगर आपने किसी की तशीस करी सही उसके ऊपर जादू डायग्नोस

तो लोगों को चालीस दिन में लोग छः महीने में लोग चाहते हैं भैया एक कबाला जादू पे तो आपने बड़ी तफसील से गुफ्तु फरमाई और भैया के चैनल पर इस पर बड़ी तफसील से वीडियोस भी मौजूद हैं तो ये अघोरी जादू अब देखें ये लफ्ज हम भी मियाँ की खिदमत में गए तो नाजिर हमने सीखा समझा देखा पढ़े भैया तो उनकी औलाद है बचपन से मियाँ हजूर के सामने साथ हैं तरबियत उनसे पाई है सब कुछ उनके सामने है अब लोग इस अल्फाज को सुनकर अच्छा हर कोई ये भी नहीं सोच ले कि हर किसी पर कबाला जादू हो गया ये भी हम कहना चाहें ठीक है؟, है. है लोग जो सोच सुनते हैं वो बोलते हैं मेरे पे कहीं ये मसला तो नहीं है मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब कहीं मुझ पर तो ये मसला नहीं है ऐसा नहीं होता हम एक चीज़ की तशरी कर रहे हैं बता रहे हैं आपको अगर मिसाल के तौर पर कबाला जादू के असर भी होते हैं ना तो इसके भी दर्जात हैं इसकी पहली मिसाल क्या होगी अगर किसी पर कबाला जादू होगा तो उसको सिम्टम्स क्या होंगे उसके घर के अंदर मछली सड़ी हुई मछली की स्मेल होगी और सड़ी हुई मछली की स्मेल ऐसी होगी कि उसको वक्तन-फवक्तन आएगी और इसकी सबसे बड़ी अलामत यह होगी कि उसकी औलाद उसके काबू में नहीं होगी, होगी। बाहर हो जाएगी मुफ्ती साहब लोग फोन करके बताते हैं हमारे दो बच्चे हैं

ईमान हाँ जल्द ये जंग जल्द और हमारे मुसलमान लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे अगर मैं खुल के बताऊ ना तो हो सकता है चैनल ही बंद कर दें ऐसा ही है ऐसा ही पहले हो चुके <laughs> नहीं आ, आ, हाँ ये ही, अगर हम ये बात खर, मैं भी अब नहीं करता हूँ वो जुमले नहीं बोले जा सकते ब, बिल्कुल नहीं मजबूरी है अब ये अघोर भी एक जादू की किस्म है और यह सुना है हमने और मियाँ से भी सुना है कि यह हिंदुस्तान और बरे सगीर में बंगलादेश ममालिक में या हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग शायद जा अघोरी जादू क्या है देखें अघोरी जादू यह होता है कि अघोर का ताल्लुक हिंदुस्तान से रहा है सही आई बस समझ में हिंदुओं की एक किताब है उसका नाम है हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जानते, जानते होंगे अच्छा उन लोगों ने इसके मुख्तलिफ दर्जात बताए सही इसके उन्होंने आठ सिद्धियां बताई हैं सही वैसे तो चौंसठ होती हैं लेकिन अघोर के अंदर आठ सिद्धियां सबसे पहला जिसको कहा जाता है ना वो है यम 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 ठीक आई बस समझ में इसमें सबसे पहले जो गंदगी होती है ना उसको अपनाने की तरबियत दी जाती है सही कि ये काम अगोर मुसलमान नहीं हो सकता सही। अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान नहीं होगा हो काफिर हो जाएगा वो उसी वक्त काफिर हो जाएगा इसका जो है स्टेज में पर फिर इसमें आसन हो गया कि जैसे हमारे मुसलमानों में होता है उसमें वो तरीके सिखाए जाते हैं कि तुमने अगर इसमें बैठना है तो किस नशे से बैठना है किस तरतीब से बैठना है इसके क्या बैठना है और कहाँ बैठना है इसमें अगोर करने वाला किसी ऐसे जानवर की खाल पर बैठता है सही जब वो अपने रियाजत पे बैठेगा या अपने मेहनत पे बैठेगा या किसी को हाजिर करने के लिए बैठेगा तो वो या तो काले कुत्ते की खाल का इस्तेमाल करेगा अच्छा या की खाल का इस्तेमाल करेगा पर उस, उस पर बैठ के वो करेगा अच्छा बाज लोग कहते हैं कि ये शमशान में ही रहते हैं गंदगी ही इनकी खुराक होती है राख में ही रहते हैं ये अगोरी लोग जो होते हैं या बरहना रहते हैं ऐसा कुछ ये शहरों में नहीं रहते सही ये आपको मिलेंगे ही वीरान में ये बारिशों में नहीं निकलते सही अगर बारिश में निकले बारिश का कतरे पड़े तो, अमल खत्म अच्छा मतलब अगर उसकी रियादत चालीस साल की है और अगर वो बारिश में भीग गया खत्म उसका अगर। अघोर के बारे में कहा जाता है कि ये इतने खतरनाक करने वाले लोग होते हैं जी कि ये सिर्फ उतना खाते पीते हैं कि जब ये फजले की सूरत में निकालते हैं ना तो ये उसका करते उस इस्तेमाल, उस करते इस्तेमाल करते हैं उस उस फजले को को इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते हैं हैं तो वो पूरे शैतानी होते हैं वो अपनी मौत नहीं मरते अपनी मौत नहीं मरते नहीं। 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 उनको शैतान मार के अपने लश्कर में शामिल करता है उनके हमजाद को अपने लश्कर में शामिल करते है बिल्कुल यानी ये फिर शैतान के ख़ास करिंदे हुए ये लोग ये वो लोग हुए कि अघोर के जो नाम है ना अगर खाली उन नामों पे ही आप माला जपना शुरू कर दो तो शैति आपको बताने शुरू हो जाए उफ इससे बदबخت होते हैं इससे बदबخت होते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अघोरी जादू करने वाले लोग आपका बातनी और ज़ाहरी इल्म और तजर्बा क्या कहते हैं पाए जाते हैं मेरी नज़र से नहीं गुजरे आपकी नज़र से नहीं गुजरे होंगे लेकिन मेरी नज़र से नहीं बोलते और हिंदुस्तान में वहाँ मौजूद है वहाँ मौजूद है, है। वहाँ पे जो हमारे मुसलमान बहन भाई अक्सर मुश्किल का शिकार रहते हैं मसला उनकी क्या मुश्किल आपको भी पता होगा मगर हमारे पास जो लोग आते हैं।, हैं भाई घर में बेसकूनी हो गई लोग नफसियाती मरीज़ हो गए मरीज बेर रवि का शिकार हो गए तलाक़े बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें क्या अघोरी जिस तरह कबाला जादू वाले इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे होते हैं अघोरी जादूगर भी मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं या जिस पर जादू करना होता है उसी पर जादू करते हैं नहीं उनका ताल्लुक मजहब और गैर मजहब से नहीं है अच्छा मिशन के तहत नहीं है वो, मिशन नहीं है उनका सही अब वो भी इल्म वो जो ये काल या गोर का जो है ना जी ये भी अब नापेद होता जा रहा है नापेद हो रहा है हाँ उसकी वजह उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कसरत कस से बिल्कुल पाकिस्तान, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे लोग दुरूद और सलाम का बिल्कुल करते अहतमाम सूरह कुरैश का लश्कर एक मौजूद है वहाँ पर उसकी भी बरकत से ये चीज़ें ख़त्म होती हैं सूरह कुरैश की लश्कर है ये मैं हुजूर के खुद अपने जुबान के निकले हुए अल्फ हैं कि जब तुम ये देखो कि एक करोड़ मरतबा सूरह कुरैश रोज़ पढ़ी जा रही है तो देखना हिंदुस्तान के बुध गिरने शुरू हो जाएंगे सुबह हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में सुबहान अल्लाह इस्लाम को उरूज मिलना शुरू हो जाएगा अल्लाह जाए। तो हम सबको सुरय कुरेश के लश्कर में शामिल होना चाहिए ये आसाम और क्रिक एक मकाम है कहा जाता है कि यहाँ पर जी जो जो आसाम आसाम, आसाम बांग्लादेश और हिंदुस्तान कल कलकत्ता के करीब और एक क्रिक वो जगह है कहा जाता है कि वहाँ पर जो चुड़ैलों के आमलिन बनना चाहते हैं या जादू खतरनाक से खतरनाक जो सीखना चाहते हैं वो आसाम जाते हैं तो आप क्या कहते हैं इसे इनके बाद बिल्कुल ऐसा है आज के दौर में भी है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कुछ शयातीनी क़वतें मौजूद हैं अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ असम के अंदर इतनी कुत कहाँ से आई ये कैसे पैदा हुई कैसे पैदा हुई तारीख किताबों में मिलता है कि सामरी जादू का जब कत्ल करने का हुक्म दिया गया जी जी। तो सामरी जादू वहाँ से अपनी जान बचा भागा जब उसने पनाह ली थी तो उसने वहाँ पनाह ली थी उस जगह पर उस जगह पर पनाह ली थी उसकी नहूसत पना ली और उसने वो जगह जो है इतनी पावरफुल हो गई उसकी नहूसत जादू उसके नाम से तो बकायदा वहाँ पे नहर बह रही है अच्छा जी आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जानते होंगे उसके बारे में इसके मुताबिक तो मैंने कलकत्ता की पूरी इसकी देवी के मुताबिक मेरे चैनल पे पूरी मैंने पूरा एक घंटे का लेक्चर दिया उसके मुलिक तो कलकत्ता की देवी हाँ काली देवी के मुताबिक तो आसाम में लोग जाकर क्या ज्यादातर किन चीजों के अमाल करते हैं और वहाँ के जादूगरों में क्या कुत होती है जब हम मक्के जाते हैं जी अल्लाह ठीक है हम वहाँ की बरकतें समेटते हैं ही है, अनवार और अगर वहाँ पे मिसाल तौर पर कम कम तो हाँ। हमें बरकतें ज्यादा ज्यादा से बरकते बैठने भी तो बरकत मिलेगी इसी तरीके से कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पे आप बुराई करो नहीं करो लेकिन बुराई आपके साथ रहती है वही बात फिर हो गई सोबत असर रखती है लाजमी रखती है रखीज शरीफ भाई देखे ना अल्लाह तबा कुरान में कह रहे हैं ना क्या सुरे अल्ला के अल्लाहुल और अल्लाह के दोस्त हुए जो अंधेरे से निकाल के रोशनी रोशनी में ले आते और शैतान के दोस्त हुए जो रोशनी से निकाल के अंधेरे में ले जाते के अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो कि जो जगह देखिये देखिए सरकार ने मुझे याद आ गया आपने मना फरमाया ऐसी जगह जाने से कि जहाँ पर अल्लाह का अजाब आया हो बल्कि वो सीरत में वाकई मिलता है एक जगह से हजूर काफले के साथ जा रहे थे फरमाया जल्दी से गुजर जल्दी से गुजर क्यों यार्ला साहब ने पूछा कहा यहाँ पर एक कौम पर अल्लाह का अजाब आया था

होता है। आसाम वो मकाम है जहाँ पर सामरी आया नाजन आपने सुना उसकी नहुसत तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के दामन से हमेशा वाबस्ता रहें बात हो रही है जादू पर और जादू की मुख्त अकसाम आप साहबजादा डॉक्टर अब्दुलवाजिद शाजली साहब की ज़ुबान मुबारक से सुन रहे हैं और हजरत के चैनल पर इन तमाम ये तमाम गुफ्तगु मौजूद है क्योंकि लोग ये समझते हैं जादू 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 मगर लोगों को सही बात यह कि जादू की असल अकसाम और डिफिनेशन भी मालूम नहीं होती एक हमारे मुल्क में कहा जाता है ज़िक्री जादू जिक्री जादू मेरा भी एक दफ़ा वास्ता पढ़ा मेरे पास एक शख्स आया वो ज़िक्र जादू का शिकार था भैया उसका हाल ये था ये अपना लियारी से आया था वो कि वो शीशे में उसको चुड़ेले नजर आती थी उसकी आँख से मुंह से कान से बकायदा खून निकलता था उसकी कैफियत ही हो गई थी कि मरने जैसा था और उसको लेकर आए थे बार फिर इलाज किया मियाँ हुजूर से पूछा मियाँ ने कुछ तरीके फरमाए आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा सेहतमंद है मियाँ ने भी फरमाया था कि ये समझो चुड़ैलों के जरिए से होता है जिक्री जादू और ये एंड पर पहुंचा हुआ था तो आप जिक्र जादू के बारे में आपने इतनी कभी गुफ्तु नहीं फरमाई क्या रिसर्च है आपकी जिक्री जादू देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए चुड़ैल होती क्या है सही है ठीक है जिस तरीके से मुजक्र मोनस इंसान में इसी तरीके से जन्नात में भी हैं मुजक्र भी हैं हैंनस भी हैं मोनस वो जन्ातों के जो शैतिन से जिनका ताल्लुक रखता हो जब वो मर जाए सॉरी तो वो चुड़ैल का रूप धार लेती है ठीक अब जिक्री क्या करते हैं ज़िक्री आपने सुना होगा हिंदुओं में कहा जाता है परानायाम हाँ परानायाम यानी कि सांस के ज़रिए सांस के जैसे हम पासन फाश करते हैं अब जिक्रियों में जब ये जिक्र किया जाता है ना तो ये सांस को रोक के किया जाता है इसमें इनकी बड़ी महारत होती है इनमें बड़ी प्रैक्टिस होती है इसमें बाकायदा तौर पर ये लोग तो तालाब के अंदर घंटों बैठे रहते हैं सही अच्छा जिक्री जादू भी इतना आम नहीं है जितना लोगों ने बनाया बनाया हुआ जिक्री जादू इतना आम नहीं है वो करते क्या है कि अपनी पावर्स के जरिए अपनी अपनी सांसों को अपने कंट्रोल करके फिर वो उन शयातिन को अपने अंदर मुंसलब करते हैं करते हैं शराह कर जाती है उसमें फिर वो उसके जरिए लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं जिस तरीके से फास अनफास का जिक्र होता है जी, हमारे यहाँ के हम करीब करीब जाते हैं पहुंच जाते हैं। अब इसी 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 तरीके इस पे को कमाल हासिल होता है वो रूहानित आगे दे रहा होता है लोगों इसी को। तरीके से इसको आप गलत तरीके पे इस्तेमाल करना शुरू कर दो सही जब अब अब, ये थे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जिक्री का जादू सबसे ज्यादा बलोचिस्तान में पाया बिल्कुल मैं अगला यही कहना चाहता हूँ तुर्बत का इलाका यहाँ पर ज्यादा है अच्छा लोग इनको सही समझते हैं इनका मजहब अलग ही है ना इनका खाना काबा भी इन्होंने बनाया सब कुछ बनाया हुआ इन्होंने आई समझ में तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे रास्ते पर हैं कि जो इतने ए, समझ लो कि उस स्टेज पर नहीं है सही। कि जैसे हमारे मुसलमान में भी है ना मुसलमान हैं हमारे मुसलमानों में लोग ऐसे भी हैं जो ताविस करते हैं कलमा भी पढ़ते हैं मेरी बात अब ऐसे भी लोग है, हैं जो कलमा पढ़ते हैं कुरान पाक की आयतों के जरिए लोगों को नुकसान हैं। हैं। उनकी पकड़ नहीं है, पकड़े है, है।, में भी है। भी हैं भी अब ऐसे कि जो लोग अपना ईमान का भी सौदा कर देते हैं मुसलमानों में कि जो जादू किसने पड़े जाते हैं जिसको कुफर कहा गया है अब ऐसे उनमें भी हैं सही उनमें भी हैं अच्छा इसके भी बाकायदा तौर पर पूरे पूरे स्टेज हैं सही कहते हैं कि वो जो लात मनात तीन बुत थे बड़े खाना काबा में जब मौला अली मुश्किल कुशाह ने बुतों को गिराया और ख़त्म किया तो उज़्ज़ा वहाँ पर जो थी वो मउनिस सी वो वहाँ से भाग निकली और वो जब आई तो वो ये बलूचिस्तान का मकाम था जो तुरबत का इलाका कहलाता है वहाँ ज़मीन पटी और वह अंदर चली गई इस तरह और फिर उसकी कब्र इन्होंने बना ली है उसके पुजारी होते हैं जिक्री जादूगर ये इस बात में कहते हैं बास लोग बास इसके बारे में फ़रमाते हैं बास कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है नहीं के, जब इनकी इबाई थी जी। उस वक्त ये लोग आग जलाते थे आग आग दायरा होके और ये लोग बहना होके करते थे और ये उसी के जरिए जैसे हम सांस के अपना जिक्र करते इसी तरीके से लोग उछलते थे इस तरीके से करते थे

मेरे पूरे मुर्शिद मियाँ हजूर के दर से बट रहे हैं और साहबजादा मियाँ हज़ूर डॉक्टर अब्दुलवाजिद शाज़ली साहब हमारे दरमियान मौजूद है और खुश नसीबी है हमारी हजरत ने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला है इसलिए मैंने आज टॉपिक की जादू रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जादू है क्या चीज़ और करना क्या चाहिए और इसका इलाज करना क्या चाहिए हज़रत आपने ज़िक्र जादू के मतलब भी बता दिया ये लोग डराते हैं काला कलवा ये काला कलवा तीन चार कलवे होते हैं पांच कलवे होते हैं दस कलवे होते हैं क्या होते हैं ये काला कलवा क्या चीज़ है इसको कैसे मुस्फ़र किया जाता है ये क्या चीज़ है ये देखें अगर कलवे की बात किया जाए तो ये शैतानी क़वतों में एक ऐसी कुवत रखने वाली है कि जो समझ लो कि भैरू के साथी हैं भैरू का पहले बता दें भैरू क्या है और इसका वजूद क्या है ताकि फिर कलवा लोगों को समझने में आसानी हो जाए असल में मैं तफी से करूँगा लोग उसका गलत रुख ले लेंगे सिर्फ इतना बता दें भैरू है क्या चीज़ भैरू एक शैतानी रूप है सही। जैसे कोई बंदा समाधि कर लेता है ना यानी कि जब किसी चीज में गुम हो जाता है जब बिल्कुल ही। तो उसके मुख्तिक जुज्व बन जाती है इसमें हिंदुओं के अंदर इसमें फिर ऐसे मामला इब्तदाई वक्त में हुए शैतनी पर अबूर हासिल कर गए

वो लोग क्या करते हैं कि जब कभी ऐसा कोई बच्चा उनके पास आता है ना तो फिर वो उसको जगाते हैं सही यानी कि वो अपनी कुवत, अपनी शैतानी कुवत को उस बच्चे में मुंतकिल करते हैं उस बच्चे का हमजाद जगाते, हैं हैं है। कंट्रोल कर लेते अच्छा हमजाद बच्चे का ऐसा है नाफरमान फरमान उसको तो कुछ पता ही, तो ही नहीं सही का तो उस हिसाब से फिर उसका इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा खतरनाक होता है अच्छा क्योंकि उस जहन में जो डालेंगे खाली कागज है ना जो लिखेंगे वही हो गया इसलिए लोग कच्चा कलवा पक्का कलवा जगाते हैं पक्का कलवा जो एक बालिग उम्र तक पहुंचे सही और बच्चा मर जाए फिर उसके हमजाद को जगाया जाता है लेकिन उसका ताल्लुक मुसलमान मजहब से ना हो सही गैर मजहब से हो सही यानी उन्हीं के मजहब मेंज्ब में कोई मर गया तो वो उसमें से जगा लेंगे उसको। अच्छा तो लोग जला देते हैं जी हाँ चिता को जलाते जब ये मकसूद होता है ना तो उसको फिर एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले अच्छा अगर जला देंगे तो कहते हैं कि जलती हुई चिता का 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 जादू 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 अगर जलती हुई चिता का भी एक अलग ही है है मसान, मसान जिसको जादू जादू तो ये कितनी हकीकत रखता है ये कुछ अलग ही चीज है ये बिल्कुल क्या? मसान का जादू भी हकीकत रखता है लेकिन अब ये भी कम होता जा रहा है आप सबको फरमा रहे कम होता जा रहा है मगर मसाइल तो इतने बढ़ते जा रहे हैं लोगों के वो दूसरे मसाइल हैं अच्छा मैं हकीकत आपसे जी जी बिल्कुल आसान का जादू अब कम होता जा रहा है अब हम कहते हैं यानी उसके करने वाले नापेद होते जा रहे क्यों क्योंकि हर काम करने के कुछ उसूल होते हैं। और आज के दौर में पूरा होना मुश्किल है मुश्किल है इसलिए नापेद होते जा रहे हैं अब ए, मसान करने वाले वो वीराने में रहेंगे वीराना कहाँ है बताइए बताओ कौन से शहर में हिंदुस्तान के पाकिस्तान के सही पहले ये इसलिए ज्यादा था आसान था कि हर जगह जंगल थे लोग अपने मुर्दों को जलाने के लिए तवील सफर तय करके जाया करते सही तवील सफर तय करके जाया करते थे मसान पहुंचने के लिए जी अब तो शहर के अंदर मौजूद है अब बताएं है। मसान का जा... अच्छा हाँ आजकल के जो लोग हैं ना जिनको बड़ा शौक है हिंदुसान जी हिंदुस्तान में पाकिस्तान में बहुत लोग है जो हैं जो गैर मुसलता रखते हैं जो हिंदू हैं कुछ कुछ करते में भी है माँ जाके पढ़ाई करते हैं बोले मैं मसान का जादू करता हूँ

बल्कि हम तो ये ताज भी नहीं पहनते आम जिंदगी में जी अच्छा इसी वजह से जिस तरह जादूगर लोग नाकाम हो रहे हैं मुख्तल अभी नापेद हो रहे हैं तो भैया ये थोड़ा सा रूहानी से सवाल है मैं टॉपिक से हट रहा हूँ मगर ये कि चले लोगों को पता चल जाएगा जादू जादू बोलेंगे मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब से ये पूछे चिल्ला कशी भी इसलिए कामयाब नहीं हो रही है वक्त के तकाज़े और हालात तब्दील हो रहे हैं लोगों की सोच तब्दील हो रही है या हर बंदा चिल्ले में कामयाब हो रहा है चिल्ले की कामयाबी क्या है देखें ज़रूरी नहीं कि हर बंदे चिल्ले में कामयाब हो सही चिल्ले में कामयाब होने के लिए जो बुज़ुर्गान दीन ने असूल और कायदे जवाब बताए ना उस पर अमल की अशद अशद ज़रूरत है उसके बगैर आपकी कामयाबी नामुमकिन है दूसरी बात कि चिल्ला कशी के दौरान इतनी सख्त सख्त हिदायतें दी जाती हैं कि जिसपे आज के दौर में अमल करना बहुत मुश्किल है सही

तो उस तरीके पे करें जो आपको बुजुर्गान ने दिन ने तालीम किया है अपने घर में बैठकर कर बिल्कुल पुरसकून होकर अगर आप किसी की हाजिरी कर रहे हैं आप दावत दे रहे हैं तो आप घर के अंदर अपना वो कमरा तयन कर लेंगे जिसमें कोई बीवी बच्चे ना जाएं जिसमें बच्चों का हेर फेर ना हो पाए तो ने उस सूरत में कामयाबी हो सकती है कहा जाता है कि तीन आवाज़ें नहीं आनी चाहिए एक औरत की नहीं आनी चाहिए ठीक है एक गधे की नहीं आनी चाहिए तीन आवाज़ों का मना किया है और हाइजा औरत वहां पर चिल्ले उस घर में उसके इर्द गिर्द ना होने चाहिए हर चिल्ले के लिए नहीं है सही वो होते हैं। ठीक है। अब एक चिल्ला होता है दावत के लिए एक चिल्ला एक... होता है दावत के लिए, लिए। शरायें मौजूद होनी चाहिए सही मगर आज के दौर में भी लोग नाकाम जो हो रहे हैं चिल्लो के अंदर देखे बहुत सारे लोग अब आपके साथ लाखों लोग वाबस्ता है माशाल्लाह अल्लाह मजीद बरकत आपके लश्कर में लाखों लोग हैं तो उसके बावजूद भी भैया हम देखते हैं कि लोगों का इतना कुछ आपने खोल के बता दिया मियाँ ने बता दिया सब बता रहे हैं सब कुछ है मगर लोगों का यकीन बहाल नहीं होता वो खौफ में और इसके अंदर वसाविस के अंदर शिकार रहे इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है ना कि अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो सुरय कुरैश पढ़ रहा है जी ठीक है उस पर रियाजत कर रहे जी

दस के चक्कर में ना पड़ो सिर्फ एक कर लो। करो एक दरवाजा खुद 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 कर लो। लोग देख कर ना हुजूर आपने बहुत ज्यादा खोला जैसे हमने मियाँ की इजाजत से अमलियात पर इबदा में काम किया लोगों कोर्स कराया सब कुछ किया सफर किया लोग उस तरफ आए अब जब आपने आकर राज तो अब हर बंदा वो लफ्ज़ उठाता है जोड़ता है बैठ लोगों पर मुसलत कर देता है एक है चौकी के लफ्ज ठीक है इस पर थोड़े से आपसे मैं तफसीली चाहूँगा कि ये चौकी क्या चीज़ है चौकी किस तरह लगाई जाती है और इसकी काटी के आजकल हर दूसरा बंदा लोगों को बोलते तुम पर चौकी का जादू हुआ है तुम पर चौकी लगाई हुई है चौकी का इलाज करूंगा ये करूँगा ये चौकी क्या चीज़ है इसको क्या कहते हैं इसका इलाज क्या है क्या बुलाई सबसे पहली बात तो ये देखा जाता है चौकी के, के जरिए तुम उतार कर रहे हो या उतार चढ़ा चढ़ा रहे हो <laughs> पहली बात तो ये दूसरी बात यह, बात यह। के इस सबसे ज्यादा गुस्तों को मैंने किए मैं कर अच्छा। अच्छा, उसमें खास लोग अब कुछ लोग ऐसे भी है उसमें मैं नाम किसी का भी नहीं लेता लेकिन वो उधर से सीख के लोगो को आम बता देता उसमें क्या हो रहा उनको पूरी बात नहीं पता अब ये कोई सवाल प्री प्लानिंग नहीं है भैया को पता भी नहीं हजरत का खादू डॉक्टर साहब को भी आप जानते हैं क्या हो रहा है ये सारा बताइए ये इससे जो होता है पता क्या होता है अब लोग देखते हैं मियाँ हजूर के चेहरे को हाँ यह खलीफा मियाँ लिखा होता है उसको देखते हैं लोग देखते हैं डॉक्टर साहब के चेहरे को लोग देखते हैं नाम को अब लोग भरोसा कर लेते हैं अब वो शख्स मरीज ज्यादा नुकसान उठाता है जो अब देखे ना अब मेरी सुन है सुने मेरी बात अब पावा की वीडियो है अब मेरी वीडियो दस लोग उठा के अपने चैनल पर डाल देते हैं अब मुझे नहीं पता होता अब जब मेरे चैनल पे किसी और मेरी वीडियो किसी और के चैनल पे देख रहे होते हैं फिर वो उन उनसे करते, करते। यही हमारे साथ भी होता है ठीक है ना फिर नुकसान होने शुरू होता है किसको की कि जो अपना उतार करवा रहा है उससे ये बहुत ज्यादा हो गया हद से ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा मैं तो इसका बहुत ज्यादा मुतासर रहा हूँ ना बाकी ये चौकी लगाई कैसे जाती है कोई खास इसका तरीका होता है बिल्कुल हर अमल की चौकी अलग होती है अच्छा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा अब जैसे नादे लिए इसकी चौकी अलग है इसका सामान अलग है चौकी अलग होगी उसके तरीके अलग है ये देखना है ये देखना मकसूद होता है कि आप जो चौकी लगा रहे हो वो हाजरे के लिए लगा रहे हो किसी के उतारे के लिए लगा रहे हो आईना बस समझ में या फिर आप उसको मुंतकिल कर रहे हो यानी कि कोई आसेफ अगर कहीं है या कोई जिन्नात अगर कहीं है किसी घर में जाते हो किसी घर में चौकी लगाते हो तो आप किसी को बुला रहे हो तो आप कैसे उतारोगे उसको यकीन जो आपने सामान चौकी लगाई हुई है अब चौकी सात कोने की भी होती है पांच कोने पाँच की, की, भी, की होती भी होती है, है। ग्यारह सितारे की होती है सितारा सुरैया की होती होती है।, है।, है लेकिन लोगों को नहीं पता होगा सतारा सुरैया का नाम ही नहीं पता होगा लोगों को तो बड़ी बात है समान तो बड़ी बात है असल में लोग पता क्या कहते हैं किताबों से पढ़ा आई बस समझने मेरी वीडियो से उठाया आपकी वीडियो से उठाया मियाँ हजूर की वीडियो से उठाया एक वीडियो बना के लोगों को भेज दी वरना आप मुझे बता दो सूर्य को रेश में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की आपकी पंद्रह के नश पे सबसे ज्यादा लोगो फलिता और वो तरीके बताए जो हमारे हथियार थे जी ये सही लोगो के सामने दे दिए नादी करो, करो। लोगो के इलाज करो लेकिन लोगो को धोखा नहीं तो कुछ मेहनत जरूर करो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है ना कॉपी पेस्ट वाला तो फिर दोनों के लिए नुकसान दे सही जो करवा रहा है उसके लिए जो कर रहा है उसके लिए भी दोनों के लिए नुकसानदेह जो करवा रहा है उसके लिए ज़्यादा है जो करवा रहा है उसके लिए ज़्यादा है करने वाला तो है ही खसारे में वो तो धोखा भी दे रहा है ना और लोग फिर इससे रुझत का शिकार होते हैं अब मेरा एक शागिर था तो उसने मेरी इजाज़त के बगैर मेरा बताया हुआ अमल उठाया और उसने उतार करना शुरू कर दिया आई वो समझ में अब जब उसने उतार करना शुरू किया उतारा तो हो गया उसको फ़ायदा भी हो गया मरीज़ को तो हो गया फायदा लेकिन वो मुतासर वो मुतािर वो ऐसा मुताजिर हुआ कि अपना जहन व तोज़न खो बैठा उसको मेरे पास लाया गया उसकी बीवी आई के ये तो आपको ज़्यादा सुनते हैं देखें सर क्या हो गया जब मैंने उसको देखा मैंने उससे बोला इसने किसका काम करा कह रहे कुछ सामान वामान ला के काम कर रही थी तो खैर मैंने वो काम किया उसको उठाया और उसको सदका दिया और उसको फारिग किया उसके बाद जब वो होश में आया तो मैंने उसकी क्लास ली मैंने कहा कम से कम अगर तुम किसी ऐसे शख्स का उतार कर रहे हो जिसके ऊपर वाकई जादू, जादू है जादू है पूछ तो लो एहतियात करो तुम पूछ लो इजाजत लो सरपरस्ती लो मैं जैसे मैं आप किसी को अमल बताया मैंने कहा मेरी मैं तरफ तो से इजाज़त है लेकिन जब कोई खास अमल होता है मैं कहता हूँ इसकी इजाज़त आप मुझसे लो तो यकीनन उसकी इजाजत लो आप अब जैसे मिसाल के तौर तो पे मैंने सूर्य कुरैश का एक अमल बताया जी। अब लेकिन वो खास लोगों के लिए अमल है तो मैं ये बात कहूंगा कि ये खास लोगों के लिए ऐसा ही होता है क्योंकि इसलिए कि देखने वाले अगर एक लाख लोग हैं तो एक लाख में दस हजार इसके मुस्तक है हाँ। और नब्बे हजार नहीं है उसके मुस्तक नहीं है सही अब नब्बे हजार करने बैठे जाए तबाही होगी होगी तबाही उनका नुकसान ही होगा पलटी बात है नाजिब बड़ा जबरदस्त हमारा टॉपिक जारी है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर आप ये भी देख रहे हैं कि अलहमद लाजल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद तो हैं मगर स्क्रीन पर आपको वीडियोस भी दिखाई जा रही है मस्जिद की भी एक मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद सवाल अभी मौजूद हैं डॉक्टर साहब भी मौजूद है कहीं भी नहीं जाना है शॉर्ट ब्रेक लेते हैं उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं आप देख रहे हैं नूर रमजान ट्रांसमिशन और पोचीदा रूहानी दुनिया सीरीज

जो तो इलायची साहब मैं जब भी आपका तस्वर करता हूँ मुझे भैंस का होता है ज़िक्र कर रहा सामने जादूगर जो चौकी वगैरह लगा देते हैं ये किस तरह लगाते हैं चौकी जो है ये हिंदी लफ्ज है जी। देखे, इसका आखिरी एपिसोड जो होगा रमजान की इक्कीसवीं शब को मेरे पिरो मुर्शिद मियाँ खजूर के साथ नाजिन नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं पोशीदा रूहानी दुनिया आज आपको वाक़ता लग रहा होगा कि पोशीदा रूहानी दुनिया से पर्दे उठ रहे हैं और इन करीब इसी सेट पर मेरे पिरो मर्शीद किबला पीव मशीद मियाँ हज़ूर को भी आप देखेंगे और इन श्ला हमारी इस सीरीज़ का मियाँ हज़ूर के एपिसोड पर अख्ताम होगा बड़ा ज़बरदस्त हमारा टॉपिक है जादू अल्लाह तौला मुझे और आपको जादू से महफूज रखे करने कराने से महफूज रखे और जादू का शिकार होने से महफूज रखे यकीन डॉक्टर साहब जो गुफ्तु रहे हैं वो आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर रही है आपको ये शूर भी दिला रही है कि हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझ पर जादू हो गया है हर किसी को हर किसी के पास इलाज के लिए नहीं जाना चाहिए हम भी अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि आप पहले रिसर्च करें आलू प्याज खरीदने के लिए कपड़े खरीदने के लिए दस लोगों के पास जाते हैं मगर जिस शख्स के पास आप यकीन करके जा रहे होते हैं अपना माल अपनी इज्जत उसके हवाले कर रहे होते जादू का इलाज करवाने के लिए आप इतनी तहकीक भी नहीं करते कि उसका इस फील्ड में तजर्बा क्या है उसकी जाति अपनी शोहरत क्या है उसका ताल्लुक कहाँ से उसका बैकग्राउंड कहाँ से फिर आप धोखा उठाते हैं मसल लोग डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं पसंद करते हैं डॉक्टर साहब से सीखते हैं अब डॉक्टर साहब से सीखने वाला हर शख्स तो डॉक्टर साहब के दर्जे को नहीं पहुँच सकता क्योंकि डॉक्टर साहब तो वली इब्ने वली है दूसरी बात यह कि बाईस साल चौबीस साल रियाजत शाक़ा में गुजारी है वक्त के गोश की औलादे तो अब आप कहें कि आसिफ साहब डॉक्टर साहब के शागिर्दें वीडियो चैनल पर अपलोड है तो ये भी वैसा इलाज करेंगे तो ये आपकी कम इलमी नादानी या फिर इसको हम बेवकूफ़ी कहेंगे साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अलहमदिल्ला जामा मस्जिद पर जान मियाँ हमारी ज़र तमीर पिर मर्शिद मियाँ हजूर के नाम पर रूह ज़मीन पर बनने वाली पहली मस्जिद है और इन शादारा मुख्त मकाम पर मस्जिद बनाता रहेगा ये मंदरा टूल प्लाजा के साथ सरवरशे सोसाइटी है वहाँ पर बन रही है डॉक्टर साहब से इस मस्जिद के मतलब कहेंगे डॉक्टर साहब आपके इलम ही है अलहमद ला काम भी चल भी रहा है वीवर से क्या कहेंगे आप देखें सबसे बड़ी काम यह है कि आज के दौर में इन कामों का होना बहुत ज़रूरी है अलहमदल और सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जो कुछ अल्लाह की राह में लगाते हो ना उसका आपको दुगना अजर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह अब मिसाल के तौर पे अगर किसी के शख्स का है वालदेन दुनिया से जा चुके हैं अब वो वालदेन के लिए कुछ नहीं कर सकता वालदेन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए वो तो जा चुके उनका जा नाम जामाल बंद हो चुका हैं लेकिन औलाद अगर जी उनके नाम से सुबह वो मस्जिद में कुछ पैसा लगा देते हैं मस्जिद में सिमट दे देते हैं लोहा भिजवा देते हैं या कुछ दूसरे वो बंदोबस्त कर देते हैं इस से करते हैं कि इसका सवाब मेरे वाले को पहुंचे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे उसके वाले अगर किसी अजियत में हो किसी तकलीफ में हो तो इसकी बरकत से ये बात हदीसों से साबित है दीन से साबित है कि इस नेक अमल और नेक नियत की बरकत से अल्लाह तब तक ऊपर से उठा लेगा बेशक उठाएगा कि जैसे है। एक वाक्य सरकार आपने देखा कब आपने लगा दी

कि हमारे अमलियात में कामयाबी का एक सबसे बड़ा एक रास ये भी है कि अगर हम चाहें ना कि हम जो अमाल कर रहे हैं हम जो वजीफा कर रहे हैं चिल्ला कर उसमें कामयाब हो तो हमारे दादा उस्मान अली शाह साहब आप सादात घराने से हैं मे उजो फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तुम चाहो कि तुम्हारे अमाल कामयाब हो जाए तो तुम शाह मोहम्मद उस्मान अली शाह के नाम पर जो ना तुम मस्जिद बनवा दो आई आई। या उनके नाम पे आप मस्जिद में खर्चा कर दो या उनके नाम का पानी का पंप लगवा दो या उनके नाम का पे जारी का कोई काम कर रूहानियत मुतवज्जे होगी और तुम्हारी तरबियत करेगी उनकी रूह तरबियत करना शुरू हो रूह तरबियत करना शुरू जिसके नाम से आप करने शुरू करोगे ना भैया मुझ पर इतना करम हुआ मैं कभी कभी रश्क करता हूँ बाद में तो बहुत मस्जिदें बनेंगी मगर जो पहली मस्जिद होती है वो पहली होती है हमने पहले वहाँ खानका बनाई मियाँ ने अफ्त फरमाया आपने देखा सब कुछ फिर अलहमद मस्जिद मियाँ के नाम से बनाई तो ये मेरे लिए सादत की बात है बड़े कर्म की बात है बहुत बहुत शादत की बात है लेकिन ये बात है कि आपने अभी तक हमें नहीं बुलाया इस जगह पर नहीं अब इनशाला आप आप खर्चे पे लेके खर्चे पे लेकर जाएंगे और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रखेंगे वहां पर आप हमारे मेहमान खुशूसी होंगे इनशाला और हमने पूरी कॉन्फ्रेंस का सोचा हुआ है जिसमे आपका भी है मियाँ हजूर है आप उसमें होंगे और बड़ी तेजी से मेरी टीम काम करे पहले हमने इसका बजट बनाया था डेढ़ करोड़ का आज मुझे फोन आया सर जी सवा दो करोड़ तक आपका ये बजट पहुंचेगा बिल्कुल जैसा आप काम कर रहे हैं आप छोटा सा घर बनाने जाए उसमें करोड़ों रुपए लग जाए ऐसे ही ये तो फिर भी अल्लाह का घर अल्लाह का घर है आप अपने घर में चाहते हो कि अच्छी से अच्छी चीज लगाओ। ऐसे ही। तो रब के घर में क्या चाहोगे हाँ अच्छे से अच्छा होना चाहिए और फिर जब मुर्शिद के नाम पर हो ना फिर बंदा मियाँ उसके नाम नाजर अलहिलाफ़ी फरमाए डॉक्टर साहब जादू पर बहुत तफसी से बात हुई हमारे नाजरन ये भी चाहेंगे कि आम तौर पर जो लोग जादू का शिकार होते हैं ये चले मुख्तल लोग उनको बताते हैं या आलामात उन पर जाहिर होती है तो कोई मौसर इलाज जो तमाम जादुओं को असर करता हो एक ही लकड़ी से सबको हम कर सकते हैं ये भी थोड़ी सी तफसील फरमाए बाद में कि उसका इलाज भी देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हम जिसका इलाज करते हैं उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है, कि इसके साथ मामलात क्या है। सही। जादू से खतरनाक जो है ना वो ज़्यादा परसों मैंने भी था में। मतलब जादू आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर हैं यखलक यखलक गिरा के जड़े तक उखड़ गई आंधी में भी जिस पेड़ को हिलते नहीं देखा ऐसा होता है ना तो अब आम लोग ए, अगर सबसे पहली बात तो आम लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा ना कि उनके साथ है क्या वो तो किसी और को फोन करेंगे वो कहेगा जादू किसी तीसरे को फोन करेंगे वो कहेगा अब वो परेशान बंदा करेगा यहाँ तो मसला ये है आसेप की बात चली आसेप कहाँ से ताल्लुक रखता है आसेब क्या चीज है इस पर थोड़ी तफसी फरमा दे आसेप क्या चीज है ये कहाँ से ताल्लुक रखता है कहाँ इसका घर है कहाँ ये रहता है कैसे किया जाता है देखिये जिस तरीके से जिन्नात के बारे में सरकार दौरान ने मुख्य जगह बताए इसी तरीके से अगर मैं आसेब की बात करता हूँ तो वो ऐसी अरवाए जो गैर मजहब थी सही जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था किसी ऐसे हादसे का शिकार हो गई है उसके मामले में उनके जो हमजात होते हैं ना जब वो भटक जाते हैं ना तो वह आसेबी सूरत अख्तियार कर जाता है सही अच्छा एक आसे भी जन्नाती होते हैं एक आसे भी हमजाती है ठीक है होते होते जिन्नाती हम जन्नाती वो होते हैं जिनका ताल्लुक जन्नातों से होता है जन्नातों में भी अमवात होती है और जिन्ना में जन्नातों की जो अमवात है वो सूरत कर जाती हमजाती आसे वो होते हैं कि जो इंसान होते हैं किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं भटक जाते हैं उनकी जो रूहें होती है ना फिर वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं सबसे पहली बात ये होती है कि जिस जगह पे उसके साथ वो हादसा होता है ना वो असर उसी जगह पर रहती है सही गोया उनको उस जगह पे कैद कर कैद लिया, लिया जाता है लेकिन वहां पे अगर किसी का गुजर होता है या कुछ मामला आपने देखा होगा अक्सर हो हो के, के इस, बारे में पता चलता इस है। मोड़ पे अक्सर हादसा होता है।, होता, है। है होता है इस घर में अक्सर लोग आबाद नहीं होते ऐसा होता है ना तो इसका मतलब कायम मकाम वो जगह हुई सही

कि जब कभी ऐसी कैफियत हो तो सुरह फलक सुरह नाश पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले पानी दम करके पी लें सबसे बेहतरीन मुफ्ती साहब सबसे बेहतरीन मतलब ये तजर्बा मियाँ हजूर का है सही। मेरा है तजर्बा ये बकायदा कि जिसके ऊपर आसेब हो या असरात हो ना फलीता सुलेमानी लिख कर नाक में धुआं दे दें मिनटों में गायब मतलब वो फलीता नहीं चलेगा ख़त्म से

हमने तो ना इबादत की वजीफा बड़ा ना कुछ की। ने क्या दिया है मैं। मैंने अपने के ना ना करी है। था। था। काश के अल्लाह तम को उन अमानतों तो की कदर करने की तोफ़ी डॉक्टर साहब आखिर में आपसे अर्ज करूंगा की जादू जो लोगों पर हो या कोई भी उन्हें बता दे या जला जादू की सिम्टम्स उनमें पाई जाए

अगर जो पूरे करना चाहें, हमारे लश्कर में शामिल शामिल होना चाहें, तो सत्तर बार दिन कर उसके बाद ग्यारह सौ ग्यारह बार, बार चालीस मरतबा कर लें ले, और फिर उन्नीस सौ मरतबा चालीस दिन कर लें उसका पूरा तरतीब उसकी माशा नाजिन आप देख रहे थे नूर रमजान ट्रांसमिशन की पोशीदा रूहानी दुनिया सीरीज़ डॉक्टर साहब आपने हमारा इदारा देखा विजिट किया नूरकुरान इस्लामिक अकेडमी है 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं इस साल आठ बच्चों ने हिफ़र मुकम्मल किया है पिछले साल बारह बच्चों ने किया था और तकरीबन चालीस बच्चों ने नाजरा कुरान पढ़ा सौ बच्चियों ने नाजरा कुरान पढ़ा और अब हम शबालमकर्रम में बहनों के लिए दरसामी शुरू करने जा रहे हैं और ये सब कुछ आपके वालद मोहतरम आपके मुर्शद मेरे मुर्शिद का फैज़ है

और माशाल्लाह उन्होंने बहुत इज्जत भी दी और अपना इदारा भी मुझे दिखाया माशाल्लाह और मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है मदारस भी हैं स्कूल भी है खान का भी है खान का लंगर भी खाना भी है लंगर खाना भी है हम लोग यहाँ पे आके ठहरते भी अभी भी, भी बच्चा एक वजीफा कर रहा है चिल्ला कर रहा है यहाँ पर पंजाब से भी बनाया हुआ है और मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको जगह इतनी बड़ी दी कि इन्होंने बाकायदा यहाँ पे एक ये समझ लेंगे पोशीदा रूहानी दुनिया का अलग सेटअप है पॉडकास्ट का अलग है दूसरे अलग है अल्लाह ताला इसमें और तरक्की दे अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे और अपने बुजुर्गो के रस्ते डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह करीम आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर सलामत रखे और आप जो मियाँ हुजूर का फेज दुनिया में बांट रहे हैं लोगो को इसकी कदर नाजन बात इस चीज की है की आप कदर करें कदर करें और सबसे बड़ी बात यह

बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए नाजिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है कमेंट देना है डॉक्टर साहब के इल्म से मुस्तफ़ होते रहिए बस दो बातें कहूँगा एक अदब कीजिए दूसरा यकीन कीजिए दुनिया और रूहानियत की हर नेमत आपको मुर्शिद के कल्ब से ज़रूर मिलेगी जहाँ वह बसता है पुख्ती के साथ थाम के रखे कहते हैं शेख कामिल नहीं होता मुरीद कामिल होता है आपको आपका यकीन कामिल बनाता है नूर रमज़ान ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए इन शरीब इसी सेट पर मेरे पिर मुर्शिद मियाँ हजूर को आप देखेंगे दुआओं में याद रखिए आप सबसे जाते जाते कहूँगा जामा मस्जिद फ़िज़ान तारिक मियाँ ज़ेर तमीर है आप जरूर मस्जिद की तमीरत में हिस्सा मिलएं अल्लू वेलफेयर फाउंडेशन मुख्तलिफ शोबा में काम कर रहा है आप ताउन करेंगे दीन पर सिलसिले पर और लोगों की खिदमत पर खर्च होगा अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाएगा दुआ में याद रखिए असल वरहमत ला वरक